बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ मेरे मुसलमान बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में हो, खैर अफियत से हों। दुआ के लिए जब भी हाथ उठाएं मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। आज जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ये मोहब्बत का फतीला है। अगर आप किसी के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, आप किसी से मोहब्बत करते हैं लेकिन वो इंसान मर्द या औरत आपसे मोहब्बत नहीं करते, तो उसके दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए ये एक बहुत ही मुजरब फतीला है। मोहब्बत, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि मोहब्बत वही है जो जायज़ है। अगर आप लालच हवस के लिए कुछ करते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, उल्टा नुकसान ही होता है और वो मोहब्बत नहीं होती। मियाँ बीवी आपस में मोहब्बत के लिए कर सकते हैं, बहन भाई कर सकते हैं। अगर आप कहीं जॉब करते हैं, बॉस के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यानी किसी के दिल को अपनी तरफ खींचने के लिए आप ये अमल कर सकते हैं। जो इस अमल की रूहानी इजाज़त चाहते हैं, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले आइकॉन को प्रेस करके 21 मरतबा दुरूशी पढ़ के इंशाल्लाह लिख दें कमेंट्स बॉक्स में, उनको रूहानी इजाज़त है। व्हाट्सएप पर रूहानी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। नीचे जो व्हाट्सअप नंबर लिखा आता है, कोई काम होता है तो तफसील से बस वॉइस मैसेज छोड़ दिया करें कि ये मेरा मसला है। जैसे फ्री होंगे, कोशिश होती है कि उसी दिन विद इन आवर्स कोई भी मैसेज आए, यानी कि दिन में 3 बार ऑनलाइन हूँ और रिप्लाई कर सकूँ। लेकिन कभी आउट ऑफ सिटी जाना होता है, कभी कुछ काम ऐसे होते हैं कि मुश्किल हो जाता है टाइम, तो कभी लेट हो जाए तो माजरत। आसान तरीका है इसका, अगर मतलूब का आपके पास कोई कपड़ा है तो सबसे बेहतरीन चीज़ यह है कि तो मतलूब का आपके पास कोई कपड़ा हो उस पर आप ये फतीला बना लें। और एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, जो मैंने ये फतीला बनाया है उसके नीचे एक नक्श बनाया है, ये आपने फतीले के आगे ही बनाना है। अगर मैं बनाता तो स्क्रीन पूरा नहीं आना था, तो इसलिए मैंने वो नीचे बना दिया है। आपने इसको राइट से लेकर लेफ़्ट तक एंड तक मुकम्मल कर लेना, नीचे नहीं आना, ठीक है। ये जो नक्श नीचे बना हुआ है ये भी आपने आगे ही बनाना है। यानी कि अगर आप मतलूब का आपके पास कपड़ा है तो उसको इस तरीके से काटना है लंबाई के रुख, ठीक है। अगर फ़र्ज़ किया मतलूब का आपके पास कपड़ा नहीं है तो फिर आप सादा कागज़ पर बना सकते हैं जो दोनों साइड से सादा हो, यानी कि वाइट पेपर पे ब्लैक कलर के पेन से स्याही से आप ये लिख लेंगे, यानी कि राइट से लेफ़्ट हो जाएंगे, पहले ऊपर वाली लाइन फिर नीचे वाली लाइन। जब नीचे वाली लाइन पे आएंगे तो फलां बिन फलां की जगह मतलूब का नाम बिन माँ का नाम, अगर औरत के लिए लिखा है तो माँ का नाम बिनते माँ का नाम, आगे आला कलब आगे अपना नाम बिन माँ का नाम, अगर आप औरत हैं तो बिन की जगह बिनते आएगा, बस ये ख्याल रखिएगा। उसके आगे ये नक्श बना लें जो बनाया हुआ है, जहाँ पे स्पेस छोड़ रही हुई, जैसे अली के आगे स्पेस है, 7 बार अली लिखा है तो 7 बार अली लिखना और स्पेस देनी है, बाकी किसी में स्पेस नहीं है। वदूद हो नीचे लिखा हुआ फिर स्पेस है, फिर वदूद हो फिर स्पेस, फिर एक एक फिर डैश फिर एक एक फिर स्पेस, फिर आगे लिखना है, ठीक है। जहाँ पे स्पेस है वहाँ पे स्पेस देना ज़रूरी है। उसके बाद इस नक्श को फतीले को फोल्ड कर लें और कोई रुई ले लें पाक साफ और उसके ऊपर लपेट लें, कोई भी खुशबूदार तेल चिराग में डाल लें, उसके अंदर इसको अच्छी तरह भिगो के थोड़ा सा जितना मोमबत्ती का थोड़ा सा हिस्सा बाहर होता है निकाल के आग जला दें। इंशाल्लाह ताला जिसके दिल में पैदा मोहब्बत पैदा करने के लिए जलाएंगे, इंशाल्लाह ताला उसके दिल में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। ये अमल आप 3 दिन कर लें, यानी कि 1 से 2 घंटे किया बुझा ली, दिन में किसी भी टाइम कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कोई टाइम फिक्स है, आप रात में करें, बेहतर यही है कि ईशा के बाद करें। दुआओं में हमेशा याद रखा करें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करके शेयर ज़रूर किया करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।